देश में शुक्रवार को 2,33,150 नए कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 3,83,000 लोग रिकवर भी हुए, जबकि 864 लोगों की मौत हो गई। इसी दिन एक दिन पहले गुरुवार को 2,51,209 लोग संक्रमित मिले थे और 627 लोगों की मौत हुई थी। पिछले दिन के मुकाबले 18,059 कम संक्रमित देश भर से मिले, यानी नए केसेस में 7% की कमी देखी गई। बीते 8 दिनों में नए केसेस में लगातार गिरावट देखी जा रही है। तीसरी लहर के दौरान 20 जनवरी को सबसे ज्यादा 3,47,000 नए मामले मिले थे। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी लोकेश फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए, राहत के बाद पूरे देश के लिए लगातार 8वां दिन जब आंकड़ों में गिरावट जारी है और केसेस यहां पर लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन मरने वालों की जो संख्या है वो अभी भी चिंता का विषय है। क्या फिलहाल नई जानकारी? देखिए जयती, बिल्कुल बात करें तो जिस तरह से कोरोना संक्रमण के केस पूरे देश के अंदर कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन चिंताजनक बात है कि मौतों की संख्या है वो लगातार बरकरार है। बात करें तो जिस तरह से शुक्रवार को देश के अंदर 2,33,150 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, इनके मुकाबले 3,83,000 के करीब लोग ठीक भी हुए हैं। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि 864 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। जिस तरह से एक दिन पहले कोरोना के जो मामले हैं गुरुवार को 2,51,000 के करीब आए थे और 627 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन पिछले दिन के मुकाबले इस बार जो शुक्रवार को 18,000 के करीब कम केस आए हैं, लेकिन जो चिंताजनक बात यह है कि इस दौरान शुक्रवार को मरने वालों की जो संख्या है वो अधिक रही है। बात करें तो नए केस में गिरावट बीते 8 दिनों से देखने को मिल रही है। तीसरी लहर के दौरान 20 जनवरी को सबसे अधिक कोरोना के मामले सामने आए थे, यानी कि 3,47,000 नए केस मिले थे। लेकिन फिलहाल देश के अंदर इलाज करा रहे मरीजों की संख्या अभी भी 19,96,000 के करीब बरकरार है। और बात करें तो जिस तरह से महामारी की शुरुआत से अब तक देश के अंदर 4,08,00,000 के करीब लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, वही जो 4,93,194 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ऐसे में मौतों का आंकड़ा भी एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो चिंताजनक जो बात कही जा सकती है। इसी के साथ राज्य की बात करें तो केरल में पिछले दिन के मुकाबले 8 गुना मौतें अधिक हुई है, यानी कि केरल में 94 लोगों की मौत हुई बीते 24 घंटे में, जबकि 54,537 नए संक्रमित मिले हैं। ऐसे में केरल के अंदर मौतों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। साथ ही बात करें तो कर्नाटक में 67.5% से की कोविड सैंपल ओमिक्रॉन वेरिएंट के पाए गए हैं। इसके साथ बात करें तो कर्नाटक में शुक्रवार को 31,198 नए मामले सामने आए हैं, वही 71,092 लोगों ने कोरोना को मात दी है। इस तरह से बात करें तो तमिलनाडु में भी नए केस में उनकी रफ्तार स्थिर बनी हुई है। 26,533 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, वही बीते 24 घंटे में 48 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में इस दौरान बीते 24 घंटे में 24,000 से अधिक कोरोना के केस मिले, लेकिन 100 से अधिक लोगों की जान गई, यानी कि 103 लोगों की महाराष्ट्र में बीते दिन यानी कि 24 घंटे के अंदर मौत हुई है, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और चिंताजनक बात कही जा सकती है। इसके अलावा बात करें तो आंध्र प्रदेश में 2% जो कम है पॉजिटिव रेट वो हुई है, लेकिन फिर भी 12,561 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। राजस्थान की बात की तो राजस्थान के अंदर भी जो कोरोना के केस में एक बार फिर से कमी है वो देखने को मिली है। 8,000 के करीब राजस्थान में कोरोना के केस वो देखे गए हैं, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि राजस्थान में भी नए मरने वाले की संख्या है वो 21 दर्ज की गई कल शाम रिपोर्ट आई उसके अनुसार, लेकिन 9,000 से अधिक कोरोना के जो मरीज है वो 14,000 के करीब कोरोना के मरीज वो छुप भी हुए हैं। ऐसे में एक्टिव केस अभी भी राजस्थान में 80,488 बने हुए हैं। जी चलिए लोकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के।